नमस्कार। आज की इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी 6 जून के लिए हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट जोन होने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। पहले हम चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे, फिर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए होने वाले हैं। अभी जो यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सेट किया है, और ये जो चार्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 जून का चार्ट है। तो अभी 6 जून के लिए हमारे लिए कौन से इम्पोर्टेंट जोन होते हैं जिससे कि हम अपना एक सेटअप बना सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का बाय या सेल का सिग्नल या किसी भी तरीके का खरीदारी या बिकवाली की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे सीखने के पर्पज से शेयर कर रहा हूँ, और मेरे अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ जोन्स बताऊंगा जहाँ पे जो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, कल के मार्केट को समझने के लिए। यहाँ पर मैं इस वाले लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला लेवल मतलब ये जो जोन रहेगा हमारा, ये जोन हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब फॉल किया था 4 जून को, तो 4 जून को यहाँ पे मार्केट ने फॉल करने के बाद यहाँ तक इस वाले जोन तक आया, फिर से यहाँ से रिवर्सल लिया नीचे की साइड में, फिर से यहाँ से मार्केट गया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करके इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकला था। तो ये जोन हमारे लिए कहीं ना कहीं कल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दूसरा जोन कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा? तो दूसरा जोन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला जोन, ठीक है? क्यों? अब ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल के दिन में, या तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन जोन तो इम्पोर्टेंट है ना, हमें समझ में आता है कि मार्केट कहाँ से एक्चुअली रिवर्सल ले सकता है और कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि ये वाला जो जोन है ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा या रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, डिपेंड करेगा कि मार्केट की ओपनिंग क्या होती है, ठीक है? मार्केट को अगर देखा जाए थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ये लगता है कि ये वाला जोन कल के लिए हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, ठीक है? और ये वाला जोन जो है ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की ओपनिंग क्या रहेगी, क्योंकि ये जो जोन है मार्केट के क्लोजिंग के आसपास है, तो डिपेंड करेगा कि मार्केट की ओपनिंग क्या होती है, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो जोन है ये जोन सपोर्ट एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा या एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। सो दो जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद एक अगर तीसरा जोन अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कल के मार्केट में। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को समझते हैं, तो 6 जून के लिए हमारे लिए ये 3 जोन निकल कर आते हैं जो कि हमारे लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होंगे कल के मार्केट को समझने के लिए, यानी 6 जून को मार्केट को समझने के लिए। तो होप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि कौन कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो भी कोई बंदा नया ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत आपको जरूर होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर है भी, तो आप उस डीमैट अकाउंट को बंद कर दीजिए। अगर आपको एक सेफ और क्लीन एक्सपीरियंस अगर लेना है ट्रेडिंग का, तो आप अपस्टॉक्स में डीमैट ओपन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, चाहे आप पुराने हो या नए हो। नए हो को तो लगेगा ही लगेगा। और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम चार्ट को चेंज करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में कौन कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखते रहिए, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जोन जो है वो ये कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, बाउंस बैक करते हुए ऊपर की साइड में जाने की कोशिश की है। और एक जोन ड्रॉ किया जाए तो ये जोन हमें इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से काफी बार रिजेक्शन लिया है, और ये जोन हमारे लिए कल एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा, डिपेंड करेगी कि मार्केट की ओपनिंग क्या रहेगी। और एक जोन ड्रॉ हम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये वाला, ये जोन, ठीक है? ये 3 जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने 3 जोन आपको निकाल कर दिए थे, जो 6 जून के मार्केट को समझने के लिए या 6 जून के मार्केट में अपना एक सेटअप तैयार करने के लिए आपको बेहद काम आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में लर्निंग की होगी, आपने सीखा होगा कि किस तरह से जोन ड्रॉ किए जाते हैं। मैं आपको कंटिन्यूअसली और रेगुलरली आपको जोन यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आए, और अगले दिन के लिए आप अपना एक सेटअप बना पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डेली हम जुड़ते रहे, कंटिन्यू करें, और डेली वीडियोस आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में और कल के मार्केट में। थैंक यू सो मच।